साथियों, करवा चौथ का त्यौहार हर सुहागिन महिलाओं के लिए खास है क्योंकि इस दिन वे अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती है। हालांकि दिन भर बिना पानी और भोजन के रहने से शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है जिससे सेहत से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। करवा चौथ के बाद कई महिलाएं पाचन से जुड़ी समस्याओं का सामना करती हैं तो कई महिलाओं को बीपी की समस्या रहती है। अब ऐसे में महिलाएं व्रत खोलते समय किन बातों का ख्याल रखें, कैसे व्रत खोले, ये सभी जानकारी हर महिला को होनी चाहिए। अगर आप भी करवा चौथ का व्रत रखने वाली हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। अब ऐसे में इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। साथियों, करवा चौथ का व्रत रखने के बाद पाचन प्रणाली पर अचानक बोझ पड़ सकता है, इसीलिए ये जरूरी है कि व्रत खोलते समय आप हल्का और पौष्टिक भोजन करें। ऐसे में आपको व्रत खोलते समय किस तरह की डाइट लेनी है, किन खाने की चीजों से बचना है, हमारे पास ऐसे कई सवाल थे जिन्हें लेकर हमने डॉक्टर अनु अग्रवाल से बातचीत की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अनु अग्रवाल क्लिनिकल कंसल्टेंट डाइटिशियन हैं। तो सबसे पहले अनु अग्रवाल को सुनिए कि उनका क्या कहना है। 12 से 16 घंटे या 18 घंटे की जो फास्टिंग स्टेट होती है उसमें हमारी बॉडी में कई सारे चेंजेस आते हैं एंड जो मेजर चेंज आता है वो है कि हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक रेट में काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाती है। मेटाबॉलिक रेट स्लो होने की वजह से हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम पर फर्क पड़ता है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्लो हो जाता है और हम जब भी खाना बहुत फास्ट खाते हैं या इकट्ठा खाते हैं तो हमें कुछ हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं, डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है और हमें काफ़ी ज़्यादा टायर्डनेस भी होने लगती है। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी हम अपने फास्ट को ब्रेक कर रहे हैं 12 से 18 घंटे की फास्टिंग के बाद तो पहले शुरुआत किससे करें, क्या खाएं या क्या पिएं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि फास्टिंग स्टेट में हम पानी नहीं पीते, हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पानी पिएं। सबसे पहले जो फास्ट को ब्रेक करें वो पानी से करें। अगर आप गुनगुना पानी ले रहे हैं तो ये और भी अच्छा होगा। पानी लेने से ये होगा कि हमारे जो टिश्यूज है, ऑर्गन्स है, उन तक पानी तुरंत पहुंचेगा और पानी उनको एनर्जी देगा क्योंकि पानी का एब्जॉर्प्शन काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। इसके अलावा आप कोई भी अदर ड्रिंक ले सकते हैं, जैसे कि कोकोनट वाटर ले सकते हैं या आप घर का बना हुआ जूस भी ले सकते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होने से बच जाएगी, हाइड्रेशन प्रॉपर होगा और बॉडी को एनर्जी भी मिलेगी। सेकेंड, आप कोई भी ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट जैसे कि बादाम, अखरोट, काजू, या आप सीड्स भी ले सकते हैं, पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड। इनका बेनिफिट ये होगा कि इसमें एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, प्रोटीन, जिंक, कॉपर यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों इसमें होते हैं, जिससे कि हमारे बॉडी की जो भी रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की वो कम्प्लीट होगी। पर इसमें ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ की मात्रा ज़्यादा नहीं लेना है, ऑप्टिमम मात्रा में लेना है। बॉडी में अगर आपको एनर्जी कम फील हो रही है तो आप सिंपल कार्ब्स लेने की जगह आप कॉम्प्लेक्स यानी कि शुगर ना लें, इसकी जगह आप गुड़ भी खा सकते हैं या आप छुहारा और किशमिश भी खा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि आप अपने फास्ट को फ्रूट से ब्रेक कर सकते हैं। किसी भी तरह का फ्रूट आप खा सकते हैं, वाटरमेलन खा सकते हैं, पपाया, एप्पल, बनाना। इसमें कि जो हमारे बॉडी का जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है, हमारे जो फ्रूट्स होते हैं वो बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को प्रॉपर करने में मदद करते हैं। इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो लो होता है, यानी कि इसमें जो कार्ब्स होते हैं वो हमारे बॉडी को जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो धीरे धीरे प्रोवाइड करते हैं, तो ब्लड शुगर लेवल भी स्पाइक नहीं होता है या बहुत डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता है, हमें अच्छा फील होता है, हमारे पेट को हैवी फील नहीं होता है और इसमें फाइबर का कंटेंट भी अच्छा होता है, तो जिससे ये होगा कि आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी लगेगी, कि लगेगा कि कुछ खाया है, साथ में आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। इन चीज़ों के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि अगर आप आटा खाना चाहते हैं या आटे से बनी हुई कोई चीज़ खाना चाहते हैं तो पूरी पराठे का इस्तेमाल ना करें। आप सिंपल रागी का आटा खा सकते हैं, बाजरे का आटा खा सकते हैं, समा का चावल खा सकते हैं या आप लाल चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पोहा भी खा सकते हैं। इन सब में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के साथ साथ फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं। साथियों, इस वीडियो को देखने के बाद आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि आपको कैसे करवा चौथ का व्रत खोलना है और खोलने के बाद क्या खाना है और किन खानों की चीजों से बचना है। अब ऐसे में अगर आप व्रत खोलने के बाद इन चीजों का सेवन करेंगे तो ये आपकी सेहत को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होने देंगे। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपनी सेहत से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।